ज़्यादा बाकी दिखाता हूँ, उनमें से मुझे कौन सा अच्छा लगा है। इतने वाला मैं इसका लगाता हूँ, मगर ये अभी बीफ है कि चिकन है। बड़ी देर से मैंने टीवी के ऊपर देखी थी कचौरी खाने के लिए, कराची में ये हट के चीज़ें लाहौर में नहीं मिलती। बाकी निहारी खा के मैं कराची के मुख्तलिफ लोकेशंस पे आज हम जाएंगे। 24 आवर्स के लिए हम कराची पर मौजूद हैं, तो फिर आपको सैर करवाएंगे कराची के मशहूर खानों के लिए। भाई ट्रैफिक जैम में फंस गए हम, और अब देखिए कितनी देर लगती है। कराची में लाहौर के मुकाबले में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और ट्रैफिक फंस गया था इस वजह से हमने टैक्सी वाले को पैसे दे के जान छुड़वाई है, और अब हम जो है ना इधर से पैदल जा रहे हैं बंस रोड की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं, और कराची का मुख्तलिफ तरह के जो स्ट्रीट फूड इधर मिलते हैं वो ट्राई करेंगे। कराची में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आबाद हैं, तो उस हिसाब से सबका खाना डिफरेंट है। बड़ी देर से मैंने टीवी के ऊपर देखी थी कचौरी खाने के लिए, कराची में ये हट के चीज़ें लाहौर में नहीं मिलती, तो हम ये दो कचौरियाँ खाएंगे। चाचा जी ने पूछा जिस तरह हमें नहीं पता ना, कैसा टेस्ट। दोस्तों पहले टीवी में भी मैंने ये वाली कचौरियाँ देखी हुई थी, और मुझे बड़ा इनका शौक था खाने का। कराची का ये स्ट्रीट फूड बिल्कुल यूनिक है, लाहौर में कहीं नहीं मिलता, और टेस्ट में बहुत शानदार है। हमारा रुख है इस वक्त बंस रोड की तरफ, इधर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनता है, और रास्ते में कोई चीज आई तो वो आपको चेक करवाएंगे। तो इस वक्त हम समंदरी मछली खाने के लिए एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। ये कौन सी है? ये साइमन है सर। अच्छा, ये पापलेट है, ये फिंगर है, इसमें हड्डी नहीं होगी? इसमें हड्डी नहीं है। हम मेरे खाइए यार, तो समंदर की मछली खानी है पहली दफा हमने। अमर साहब हाँ, थोड़ा सा ना इसलिए कर रहा था कि शायद पापी हो। ये हमारी मछली आ गई है, बोनलेस है। यार ये मछली कौन सी है? फिंगर। नहीं नहीं, मछली का नाम क्या है? फिंगर। फिंगर फिंगर तो वो है ना, गोश्त है ये ना फिंगर मछली, ये है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा, अच्छा। जी आप साहब, यार पहली बाइट खाई यार, थोड़ी सी सही लगी है, दूसरी खाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा क्या। जी चिकन तरह की है। हाँ बशर पुत्र बशर पुत्र।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बंस रोड के ऊपर और इधर तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें। अफगानी रोटी है? अच्छा नहीं, पूरा जो रोड है हर तरह की खुशबुओं से भरा हुआ है, हर तरफ खाने ही खाने हैं। और अब हम देखते हैं हमने क्या खाना है। भाई पीछे बड़ा जबरदस्त गोला गंडा था, वो हम खाएंगे बाद में। खाने ही खाने हैं हमें, तो ये चूज करना मुश्किल हो गया क्या खाना है। वो दिल्ली के दिल बहार दही बड़े, तो हमें रिकमेंड किए गए हैं सामने एक भाई ने कि ये जो भाई साहब हैं आप इनका कबाब मसाला खाएं और नली निहारी खाएं, तो वो हम खाने इधर आए। तो ये नली निहारी भी इधर आ गई है, दोस्त आमिर भाई ने खाना है और बाकी निहारी खा के बैठता, तो मैं निहारी का शौकीन हूँ, गोश्त इसका मुझसे खाया नहीं जाता। भाई हैवी सीन हो गया है, ये देखें नली निहारी भी है, सैलड भी दो तरह की है, ये तो खैर उधर लाहौर में भी हमें मिलता है। आमर भाई की पोजीशन है? ये बहुत जबरदस्त नली नहीं आ रही, बहुत हट के टेस्ट है। लाहौर में जो हम निहारी खाते हैं वो थोड़े डिफरेंट है, बहुत हट के। भाई मैं अल्लाह को जान देनी है, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करूँगा, लाहौर में मैंने वायरस निहारी खाता हूँ, बहुत उसका शौकीन हूँ, लेकिन भाई ये उससे बहुत आगे की चीज़ है। अगर कोई भाई इधर आए ना, ये भाई साहब की ये निहारी आप इधर से ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें ज़बरदस्त तरीन है। अमर साहब निहारी कैसी लगी? आमिर भाई मैंने ना नवाला खाया है इसके साथ लगा के कबाब के साथ खा के, यार फिर ज़रा एक्सपेरिमेंट करके बता, ये भी साथ लगाना है। प्याज भी बाबू कराची जी, हाँ जो ये पुदीने की चटनी है ना, ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई है। हाँ और मैंने ये लगा के इसको चेक किया है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, हमने पहले ऐसे ही खाया था इसलिए हमें जरा वो मज़ा नहीं आया, लेकिन इस तरह खा के ज़बरदस्त है।
था ये वहीद साहब, वहीद कबाब हाउस करके नाम है इनका। मस्त रिकमेंडेड है, निहारी बड़ी ज़बरदस्त है, खाने का टेस्ट जो है ना कुछ कुछ इंडियन खानों के साथ मिलता है, जैसे मैंने दुबई या चाइना वगैरह में इंडियन खाने खाए तो ज़बरदस्त, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी हम खाते हैं कुछ मीठा और फिर आपसे वो शेयर करते हैं। मीठे की भी इधर बड़ी वैरायटी मौजूद है, उनमें से ये देखिए। तो भाई ये दही बड़े देखो, ये इतने बड़े बड़े इसमें पापड़ हैं। हाँ ये गोलगप्पे का अब्बा है। अभी हम खाएंगे गुलाब जामुन, चल अमर। ये सादे हैं, ये काला अलग नहीं, इतने ज्यादा नहीं खाए जाने हमसे। अच्छा हम दोनों ये एक ही खाते हैं, ठीक है सही है। हाँ एक कड़े पंजाबी जो खाने का मन है यार हमारा, और जब से निकले ना कुछ ये खा कुछ वो खा कुछ ये खा ऐसे खा रहे हैं। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ भाई, मीठा हमने ये ट्राई कर दिया है, 90 रुपए का सिर्फ, टेस्ट बड़ा अच्छा था। अब हमें गोला गंडे की तलाश है फाइनल डिश के तौर पे, तो देखें अभी इधर से मिलता है कि नहीं। वो 7-Up का जो बोर्ड लगा ना ये वाला, उसके नीचे भाई ने बोला आपको मिल जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने होटल और कल के दिन की तैयारी करेंगे। कल हम जाएंगे इंशाल्लाह ग्वादर, तो फिर आपसे ग्वादर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये छोटे वाले नहीं बड़े वाले, बड़े वाले यार यही दो बना दे यार, चलो एक छोटा एक बड़ा बना दो। यार चॉकलेट नहीं डालना आपको पता है, अब ये उतार दो हमारा सारा टेस्ट खराब होगा। मेरे वाले के एक चम्मच से उतार के ना उस पर डाल। चले चले भाई वो रो पड़ेगा, पैसे भी कटो, पैसे सारे खत्म भाई, कितने पैसे हुए भाई। ये गोला भी जबरदस्त है भाई ने, बड़ा अच्छा बनाया है और प्राइस भी इसकी बड़ी 12 की है, 230 की हमने दोनों दोस्तों ने ले लिया है। ये शॉप है जबरदस्त इसका, तो ले दोस्तों आज का दिन हमारा खत्म हो गया है। बंस रोड से हम आज खाने का एक्सपीरियंस करके वापस आ चुके हैं अपने होटल और...